अज्ञात हमलावरों के हमले में मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के घर लोगों का आना जाना लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। इससे पहले यहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यहां चर्चा की गई है कि आज सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत सिंह बनावली गायक के घर पहुंचे, जहां उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही विधायक मनसा पहुंचे, उनका विरोध लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिससे वह असहज हो गए। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने उनकी हत्या के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। अज्ञात हमलावरों के हमले में मारे गए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर गोलियां के 19 निशान मिले हैं और घायल होने के 15 मिनट के भीतर ही उनकी मौत हो गई। यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। उल्लेखनीय है कि रविवार को पंजाब के मनसा में मूसेवाला की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई थी। हमलावरों ने 28 वर्षीय मूसेवाला का वाहन जवाहर के गाँव में रोकने के बाद गोलियों की बौछार की थी। इस हमले में कम से कम 3 बंदूकों का इस्तेमाल किया गया और घटनास्थल पर गोलियों के 30 खाली खोखे मिले। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मूसेवाला के परिवार ने उनकी हत्या के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। गायक की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए शेखावत गुरुवार को मूसेवाला के घर पहुंचे। इस दौरान भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और पार्टी नेता सुनील जाखड़ समेत कई अन्य नेता भी उनके साथ रहे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मूसेवाला के परिवार ने इस हत्याकांड की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने की मांग की है। इधर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में उसे पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं भेजने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था। बिश्नोई पर पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या में संलिप्त होने का शक है। बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस लिए जाने के बाद बुधवार को यहां उच्च न्यायालय का रुख किया था। बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले ली, जिसमें उसने पंजाब पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ की आशंका के चलते आवश्यक सुरक्षा देने का अनुरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।